सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वालों की इज्जत बरकरार रहे। ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमान के पास भी तो जमी नहीं है। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। खैरियत पूछने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर तलाश उसकी करो जो तुम्हारा ख्याल भी रखे। आज का पंचांग 31 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 7:56 तक रहेगी। अश्विनी नामक नक्षत्र शाम 4:38 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:17 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 31 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीजें खरीदना चाहते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सारा पैसा खर्च ना करके कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। आज मीडिया संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी हासिल हो सकती है जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे। विशेषकर महिलाएं अपने कार्य को सहजता और सरलता से पूरा करने में सक्षम रहेंगी तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। दिन की शुरुआत में कायदे से संबंधित बातों की वजह से थोड़ा तनाव आपको महसूस हो सकता है, लेकिन इसे दूर कर पाना आपके लिए संभव होगा। योग्य व्यक्ति की मदद आपको जरूर मिलेगी, इसलिए अपने परिचय के लोगों के साथ जुड़े रहें और आपको हो रही तकलीफ के बारे में खुलकर बोलें। काम से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ेगी और इसी काम के द्वारा नए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आपका परिचय भी बढ़ेगा। पार्टनर के बदलते हुए बर्ताव पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सर्दी जुकाम की तकलीफ अधिक रह सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, उनका उचित ध्यान रखना जरूरी है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ सकता है। किसी की कोई नकारात्मक बात आपको आहत करेगी, अपना मनोबल बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी प्रिय मित्र से अचानक ही मुलाकात खुशी प्रदान करेगी, यादें भी ताजा होगी। इस समय आपको अपने परिवार के वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, यह आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपको अत्यधिक लगे लेकिन यह वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करें क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हैं और ये चीज आपके रिश्ते को और गहरा करेगी। बात करते हैं करियर की। आशा पेशवर आत्मविश्वास से भर जाएंगी। आप अपने कार्य संबंधित चिंताओं को सशक्त तरीके से आगे रखेंगी एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। कुछ सूक्ष्म संकट कार्य स्थल पर आ सकते हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। अच्छा, आपके सहकर्मियां आपकी क्षमता से प्रभावित होंगी। व्यवसाय क्षेत्र में आपके कार्य करने की तकनीक सफल रहेगी। लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे। किसी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग में भी आपके निर्णय को प्राथमिकता मिलेगी। इस समय तरक्की के भी उचित योग बने हुए हैं। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ दिनों में काफी व्यस्त कार्यक्रम से काम कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप व्यवस्थित हो जाएं। आज आप तुलनात्मक रूप से आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना समय देकर अपने सभी मामलों को व्यवस्थित कर पाएं।
नहीं तो आने वाले दिनों में सब चीजें और भी उलझते जाएगी और जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखेगी आपको बहुत परेशानी अनुभव होगी। आज का उपाय, आज जब शनि देव जी को तेल चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।